नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे कविता से। जिसने धरोहर बचाई, पर्यावरण का सम्मान किया, जो टिका रहा आदिम मगर न तथा कथित उत्थान किया, देकर अमरत्व जगत को वन रक्षक वह विष को पिया, वह नहीं विलासी है वह आदिवासी है। ये कविता निर्मल निश्चल आदिवासी समाज के महज एक हिस्से की दास्तां है। विकास के साथ कदम ताल मिलाने की इनकी जद्दोजहद जारी है। ये उन्हें आगे भी बढ़ाता है और शोषण का शिकार भी बनाता है। मध्य प्रदेश के सीधी में दशमत रावत के साथ भी यही हुआ। उस शैतान का वीडियो आपने भी देखा होगा, कैसे दशमत निर्जीव बैठा हुआ है और शैतान प्रवेश शुक्ला अपनी जींस की जिप खोल देता है, उसके माथे पर और मुंह पर पेशाब कर रहा है। आज़ादी के अमृतकाल का ये दृश्य सिहरन पैदा करता है, सभ्य समाज के कलंकित कालखंड की याद दिलाता है। जिस अभय मुद्रा में प्रवेश शुक्ला जघन्यता की सीमा लांघता है, उससे लगता है कि दंभ, अहंकार और दशमत जैसे भोले भाले आदिवासी को दास समझने की विलासी सामंती कुंठा की इंतहा बाकी है। मानो आज़ादी के अमृत काल में ही इंतहा के आखिरी छोर को हम छू लेंगे। आज वो जेल में है, लेकिन उसकी कारस्तानी भारी पड़ने वाली है। सत्ता की हनक और दशमत पर दबिश की कहानी 5 दिनों तक चलती रही, तब जाकर वो जेल जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। क्यों भाई, जब अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निरोधक कानून है, उससे काम चल जाता, तो आपने एससी एसटी एक्ट के बदले ये क्यों लगाया? आप जरा दिमाग लगाइए, अगर वो एससी एसटी एक्ट लगाते तो गाहे बगाहे सरकार मान लेती ना कि एक आदिवासी का शोषण हुआ है। शिवराज चुनाव के सीजन में ये जोखिम क्यों लेते, तो सुनने में भारी भरकम लगने वाला एनएसए लगा दिया। ठीक है, लगा दीजिए। उधर गुस्ताख प्रवेश शुक्ला को देखिए, वो भगवा गमछा डाले, चेहरे को ढके, किस तरीके से सीना ताने थाने में दाखिल होता है। जरा ये विजुअल देखिए, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, मानो जीत का उन्माद अभी भी कुलाचे मार रहा हो। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होर मची हुई है। जैसे ही खबर आई कि वो सीधी के भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला का करीबी है, भाजपा नेताओं ने डिलीट डिलीट बटन दबाना शुरू कर दिया। केदार भी मुकर गए, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो आ ही जाती हैं। केदार के साथ भी थी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार के बगल में खड़ा भी है, और कई बिलबोर्ड हैं जो ये जताने के लिए काफ़ी है कि मध्य प्रदेश का ये कलंक किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। पूरे 5 दिनों तक प्रवेश शुक्ला ने दशमत को सताया, क्योंकि अब वो जब आप शपथ पत्र आपको दिखा रहा हूँ, वो 3 जुलाई का है। दशमत के शरीर पर पेशाब करने के बाद उसने किस कदर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर के लिए सताया होगा, उसी की वानगी है ये 2 पेज का शपथ पत्र। मैं बस पॉइंट पढ़ता हूँ, 1 पॉइंट, आप खुद समझ जाएंगे। उसमें लिखा है, मैं दशमत रावत निवासी ग्राम करौदी पोस्ट कुर्बी थाना बहरी जिला सीधी का हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरे और प्रवेश शुक्ला पिता रमाकांत शुक्ला ग्राम फलां फलां का ये वीडियो आदर्श शुक्ला पिता फलां उनके साथियों द्वारा वायरल किया जा रहा है। यह वीडियो झूठा और फर्जी है। मेरे साथ प्रवेश शुक्ला द्वारा कोई भी कभी ऐसा कृत्य नहीं किया गया है। अब क्या कहूँ, इस नोटरी को भी जिसने ये बनाया होगा, उसको भी क्यों ना अरेस्ट कर लिया जाए एससी एसटी एक्ट के तहत, क्योंकि उसने इस उत्पीड़न को बढ़ावा दिया है। कुछ तो उसने कानून की पढ़ाई की होगी, लेकिन हमारा देश ही निराला है। 100 रुपए के स्टाम्प पर कोई भी मुहर लगाने को तैयार है। और फिर प्रवेश शुक्ला की हैसियत भी तो उसने देखी होगी, कौन जहमत उठाएगा। वो तो भला हो फेसबुक ट्विटर का, नहीं होता ये तो ऐसे कुकर्मियों का पर्दाफाश भी ना हुआ होता। ये तो हमारा आपका गुस्सा है और लोकतंत्र में हार जाने का डर, जिसने एमपी पुलिस की लाठी में जान ला दी। उधर सियासी तूफान अगर लाने वाली इस घटना को देखें, तो कांग्रेस ने भी लपक ही लिया और कमलनाथ ने शिवराज पर एक भावुक हमला बोल दिया। सुन लीजिए क्या कहते हैं। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है।
मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी। अब लौटते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी कितने हैं और सियासत में भूमिका क्या है। तो दशमत उन 1.5 करोड़ आदिवासियों में से एक है जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, देश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश की आबादी का 21%। अनुसूचित जनजाति के तौर पर पहली पहचान 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मिली, फिर हमारे संविधान ने उसे अपना लिया। लेकिन आदिवासी शब्द की बात करें तो ये श्रेय जाता है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, यानी ठक्कर बापा को, जो आदिवासी शब्द का जो उन्होंने इसको प्रयोग किया। मध्य प्रदेश में 46 जनजातियाँ हैं। राज्य के 53 जिलों में से 30 में आदिवासियों का वास है, रहते हैं वो, खासकर झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, ये सब, बस्तर, खरगोन, अच्छे खासी यहाँ आबादी है। कोल, गोंड, भील, सहरिया, 46 जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। मांडला पिछले साल ही 100% साक्षर बना है। शिवराज सिंह चौहान को इन आदिवासियों की सख्त ज़रूरत है, खासकर तब जब प्रदेश में चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। तो बजट में भी सुनाई दी, इस बार 3 लाख करोड़ के बजट में 37,000 करोड़ रुपए आदिवासियों के लिए उन्होंने रखा, पिछले साल से 37% बढ़ा भी दिया। आदिवासी जिलों में कितना काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक ट्राइबल सेल भी बना दिया। शिवराज की मदद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगा है RSS, वो खुद वनवासी कल्याण परिषद और आश्रम के काम को बताते हुए थकते नहीं हैं। यही नहीं, इसी भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज की सरकार ने फरवरी में कोल महाकुंभ का भी आयोजन किया। अमित शाह भी आए और बता गए कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद जनजातियों के लिए क्या किया है। 89,000 करोड़ रुपए का उन्होंने ब्यौरा दिया कि सरकार ने खर्च किए हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में टॉयलेट्स बने हैं, आवास योजना से घर बनाए गए हैं। सन 1831 के कोल विद्रोह का भी जिक्र हो रहा है। पूरे देश में 200 करोड़ रुपए लगाकर म्यूजियम बन रहे हैं जहां आज़ादी की लड़ाई में आदिवासियों की भूमिका दिखाई देगी। चाहे मोदी हों, शाह हों या शिवराज हों, इन सब ने आदिवासियों को रिझाने के लिए इनके पौराणिक हीरो का इस्तेमाल किया। मौकों पर गोंड महारानी दुर्गावती, रानी कमलापति का बलिदान, बुद्ध भगत और जोवा भगत की बहादुरी, सारी कहानियां बताई जाती हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर कर दिया जाता है। एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो योजनाओं के जरिए भाजपा चाहती है कि आदिवासियों का वोट मिले और उन योजनाओं से आदिवासियों का विकास हो। अगर मध्य प्रदेश जीतना है तो भाजपा आदिवासी सीटों को इग्नोर नहीं कर सकती, इसीलिए अमित शाह बार बार MP आते हैं और आदिवासी कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। 2022 में वन समिति सम्मेलन में अमित शाह आए, उन्होंने तेंदू पत्ता बटोरने वालों को खुद बोनस दिया अपने हाथों से, साथ साथ 827 गांवों को रेवेन्यू विलेज का दर्जा दिया ताकि सरकारी विकास के काम वहाँ हो सके। जब शिवराज ने 2013 में जीत की हैट्रिक लगाई थी तब आदिवासी बहुल 47 में 37 सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन कमलनाथ ने 18 में पासा पलट दिया, 31 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गईं। चुनाव अब पास है तो जबलपुर के विंध्य रीजन में 5 लाख उज्ज्वला सिलेंडर बांट दिए गए हैं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर कर दिया गया है। PM मोदी खुद जनजाति गौरव दिवस में शामिल होते हैं जहां हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जब बदला गया। लेकिन सीधी में हुई एक घटना इन दसियों प्रयासों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसने हमारे ही नहीं, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के तमाम उन लोगों के मन को एक तरीके से विचलित कर दिया है जो घटना या जो कृत्य प्रवेश शुक्ला नाम के इस दैत्य ने सीधी में किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को संभलने में मुश्किल होगी, ये तय है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।